हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दीदी आपका फेवरेट शो अभी स्टार्ट हुआ है, चलो। हितल आगे बेटा, तेरे पापा कब से तेरी फिक्र कर रहे हैं। हितल कुछ हुआ है क्या बेटा, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। नहीं पापा, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। ये लड़की बिना कितना सोएगी। लड़की ने इस पंखे से लटक कर सुसाइड किया सर। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, बस इतना पता चला है कि कल रात को किंजल नाम की किसी सहेली के घर से पढ़ाई करके लौटी थी और कुछ परेशान थी। कहाँ रहती है किंजल? ये क्या कह रहे हैं आप, हेतल हमारे यहाँ नहीं आई थी बल्कि किंजल उसके घर गई थी उसके जन्मदिन पर। किंजल कहाँ है, बुलाइए उसे। देर रात से आई है तो सो रही है, बुलाती हूँ। किंजल किंजल, स्वाति बेटा वो सरला भाभी के घर कोई नहीं है आज, तो तू चावी कोकिला आंटी के वहां छोड़ देना, ठीक है। अच्छी माँ। नमस्ते आंटी। मामा ये निशा है, मेरी कॉलेज फ्रेंड, मैंने बुलाया था साथ में कॉलेज जाने के लिए। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय बेटा। बाय बाय मामा। किंचन और हेतल दोनों ने, अब हम नहीं बचेंगे। उन्होंने कहाँ पे था उससे।
हाथ मत लगाओ तो दूर हटो। अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने हमारे साथ, दोस्ती ना तुम हमारी, हमें माफ कर दो प्लीज। जानबूझकर नहीं किया हमने कुछ, मजबूरी थी हमारी और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। प्लीज हमें माफ कर दो, चीट किया ना तुम लोगों ने हमारे साथ। देख लेना तुम दोनों भी नहीं बचोगे, पनिशमेंट मिलेगी, बहुत बड़ी पनिशमेंट है। ये सब हमारी वजह से हुआ है, वी आर रिस्पॉन्सिबल, अब हम नहीं बचेंगे। पुलिस आती ही होगी, हमारे घर वालों को सबको सब पता चल जाएगा। अब बस एक ही रास्ता है हमारे पास। स्वाति। अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में रहने वाली चार लड़कियों ने आत्महत्या की थी, लेकिन ना तो कोई सुसाइड नोट मिला था और ना ही कोई साफ वजह दिखाई दे रही थी। पुलिस ने उनके दोस्तों, टीचर्स और हर उस इंसान से बात की जो उन्हें जानता था या किसी ना किसी तरह से उनसे जुड़ा हुआ था, और इसी पूछताछ के दौरान उनके हाथ एक सुराग लगा जो शायद अब तक के इस ब्लाइंड केस को एक दिशा दे सकता था। सर, चारों लड़कियों के कॉल डिटेल्स आ गए। निशा और स्वाति एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हेतल और किंजल एक ही कोचिंग क्लास में। स्वाति हेतल की सहेली थी, इसलिए चारों एक दूसरे को जानते थे। घटना के दिन हेतल और किंजल ने अपने घर पर झूठ बोला था कि वो पढ़ने के लिए एक दूसरे के घर पर जा रहे हैं। पढ़ने नहीं गई थी तो कहाँ गई थी? सर, उनकी कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि दोनों घर से कॉलेज के लिए तो निकली थी, पर असल में जयपुर के लिए उन लोगों ने फ्लाइट पकड़ी और रात को 9:30 बजे अहमदाबाद वापस आई। और निशा और स्वाति? सर, वो दोनों यही अहमदाबाद में थी, पर दोनों फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं। पिछले 6 महीने में तकरीबन 15 या 20 बार शहर से बाहर, कभी जयपुर, दिल्ली या तक कि कोलकाता फ्लाइट से गई हैं, कभी साथ साथ कभी अलग अलग। कोई और डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स वगैरह? सब क्लियर है सर, कोई ऐसी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं है। स्वाति की सहेलियों के हिसाब से स्वाति का एक बॉयफ्रेंड था राहुल, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया कुछ महीने पहले, मगर इसका निशा, हेतल और किंजल से अभी कोई कनेक्शन नहीं दिखता। और हाँ सर, घटना के दिन से राहुल का फोन बंद है, पर हमें उसका एड्रेस मिल गया। उठाओ इस राहुल को। राहुल तो 2 दिन से घर ही नहीं आया और इसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और वैसे भी वो अक्सर 2-4 दिन के लिए अपने दोस्तों के घर पे रहता है, लेकिन बात क्या है, क्यों ढूंढ रहे हो राहुल को? वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, उसकी कोई फोटो मिलेगी। कैसा लगा अब्बास भाई? वाह घोची, ये तो बड़ा धमाका है। ये लेकिन अपने भावसार की बेटी है ना? हाँ हाँ। कहाँ से मिला बे? चल चल फटाफट फॉरवर्ड कर मेरे को, जल्दी से। हाँ क्यों सर, है ना धमाका? અમદાવાદની ગોરી છોકરીઓના કાલા કારનામોનો પહેલો કિસ્સો, બાકી કિસ્સા કાલથી રોજ। इस लड़की का नाम रिद्धि है, मशहूर सोशल वर्कर भवसर की बेटी है, मगर उन चारों लड़कियों के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं दिखता। सवाल यह है कि इस अखबार के पास ये तस्वीर आई कहां से, और इनका ये हेडिंग पहली किस्त, इसका मतलब तो ये हुआ कि इन लोगों के पास दूसरी लड़कियों की भी तस्वीरें हैं जो वो आगे छापने वाले हैं।
कहीं उन चारों लड़कियों की सुसाइड की वजह ऐसा कोई स्कैंडल तो नहीं? हो सकता है सर। खूबसूरत शहर में अखबार में छपी उस एक खबर के बाद जैसे जवान लड़कियों की सुसाइड की बाढ़ सी आ गई। 24 घंटे गुजरते गुजरते शहर के अलग अलग इलाकों में लगभग 22 लड़कियां सुसाइड कर चुकी थी। पूरे शहर में मातम का माहौल था। जवानी उम्मीद और जोश का दूसरा नाम होता है, तो फिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इन लड़कियों को इतना निराश इतना नाउम्मीद कर दिया था कि उन्हें अपने ही हाथों से अपनी जान लेने जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। ये मामला काफी गंभीर था और पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लिया, इसलिए अहमदाबाद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया। सर, उस खबर के छपने के बाद से अब तक शहर के अलग अलग एरियाज में कुल मिलाकर 22 लड़कियां सुसाइड कर चुकी है। इन सभी लड़कियों को 5 ग्रुप में बांटा जा सकता है। हर ग्रुप में 3 से 5 लड़कियां होगी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड, आपस में सहेलियां थी या सहेली की सहेली, कुछ कॉलेज में साथ पढ़ा करती थी तो कुछ कोचिंग क्लासेस में। सर, डिटेल इंक्वायरी के बाद हमें पता चला है कि सभी लड़कियां फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स थी और रेगुलर बेसिस पर गुजरात और देश के अन्य बड़े शहरों में आया जाया करती थी, लेकिन इनके घर वालों को कुछ पता नहीं। सर सर, इस मास सुसाइड से 3 दिन पहले मेरे एरिया में भी 4 लड़कियों ने सेम कंडीशन में सुसाइड किया है। सर सर, ये लड़कियां भी फ्रिक्वेंट ट्रैवलर थी, उनके बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं मिला और उनकी एक्टिविटीज के बारे में उनके माँ बाप को कुछ नहीं पता था। सर, ये 4 लड़कियां और उसके बाद सुसाइड करने वाली लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज जोड़ती है और वो है राहुल नाम का एक लड़का। सर, राहुल पहले हेतल का बॉयफ्रेंड था और उसके बाद उसका अफेयर भावसार की लड़की रिद्धि के साथ था। सर, ये लड़का हेतल के सुसाइड के दिन से ही कहीं गायब है, अभी तक उसकी कोई लीड नहीं मिली। और जिस पेपर में इनकी न्यूज छपी थी, सर उसके रिपोर्टर और एडिटर को हमने हिरासत में ले लिया है। सर, वो अपना गोची है ना, जो घंटाघर 4 रास्ता पे चाय की दुकान पे काम करता है, अक्सर छोटी मोटी खबरें वही मुझे देता है और ये MMS भी उसी ने मुझे दिया था, तो हमने स्टील करके छाप दिया। सर, वो मशहूर समाज से भी भावसार भाई की बेटी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि बड़े घर की बेटी है, खबर छाप देंगे तो हमारे अखबार की बिक्री भी ज्यादा हो जाएगी। ये पहली किस्त से क्या मतलब है तुम्हारा? और भी MMS है तुम्हारे पास? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो गोची बोल रहा था कि उसके पास और भी है। झूठ बोलता है? नहीं सर, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम, वो वीडियो मेरे एक दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया था, मुझे लगा ये खबर बहुत अच्छी है तो मैंने आभास भाई को फॉरवर्ड कर दी और मेरा दोस्त तो मुझे ये भी कहता था कि उसके पास बहुत सारे वीडियोस हैं। कौन है ये तेरा दोस्त, कहाँ रहता है? गोची के उस दोस्त ने पुलिस से कहा कि उसे वो MMS उसके किसी दोस्त से मिला था और जब पुलिस ने उसके उस दोस्त को पकड़ा तो उसने भी यही कहा कि उसे वो MMS अपने किसी और दोस्त से मिला था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक चेन सी बनती गई और लगभग 16 से 17 लड़कों से पूछताछ करने के बाद आखिर पुलिस उस लड़के तक पहुंची
जिसके मोबाइल से पहली बार उस एमएमएस को भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था। चलो उठ। सर, सर उसका नाम राहुल है, अपना लैपटॉप डालकर गया था मेरी दुकान पे रिपेयर करवाने के लिए, उसी में 3 MMS थे सर। मुझे अच्छे लगे तो मैंने आगे फॉरवर्ड किए, दोस्तों को दिखाए, उसके आगे का सर मुझे कुछ नहीं पता। सर, बाकी के जो 2 MMS हमें मिले हैं उसमें एक हेतल का है, उसके साथ राहुल है, लेकिन दूसरा MMS जो हमें मिला है उसमें कोई और लड़का है सर। इसका मतलब ये कि इस स्कैंडल में राहुल के अलावा और भी लड़के इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जिन जिन लड़कियों ने सुसाइड किए हैं कहीं ना कहीं उसकी वजह ये MMS ही है। और ये 3 MMS देखकर तो ये लग रहा है कि उनमें जो लड़के हैं वो उन लड़कियों के काफी करीबी थे, बॉयफ्रेंड टाइप्स। राइट सर। एक काम करो, हमारी पूरी टीम लगा दो, जिन जिन लड़कियों ने सुसाइड किए उनके बॉयफ्रेंड या तो करीबी दोस्तों की डिटेल निकालो। आई एम श्योर इस केस का अगला सुराग हमें उन लड़कों से ही मिलेगा। बड़ी टीम हर उस लड़के की तलाश में जुट गई जो किसी भी तरह से इन लड़कियों के करीब था। दोस्तों, घर वालों, रिश्तेदारों सबसे पूछताछ की गई। काम आसान नहीं था लेकिन जरूरी था, क्योंकि पुलिस को अकेला यही एक रास्ता दिखाई दे रहा था जिस पर वो आगे बढ़ सकते थे, और उनकी ये सोच सही साबित हुई। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद जो सच पुलिस के सामने आया उसने इस केस की गंभीरता को और भी बढ़ा दिया। पुलिस को पता चला कि सुसाइड करने वाली हर लड़की का कभी ना कभी कोई बॉयफ्रेंड या प्रेमी जरूर रहा था। उनके इन्हीं प्रेमियों ने उन्हें धोखे से नशा कराकर उनके साथ संबंध बनाए, और उनके ही किसी साथी ने उनकी इस घृणित हरकत को कैमरा में कैद कर ये MMS बनाए। सर, सर जिन लड़कियों ने सुसाइड किया था उन सबके बॉयफ्रेंड्स ने उन्हें ड्रग्स देकर MMS बनाया। सर, इंट्रोगेट करने के बाद हमें यह पता चला है कि एक लड़का किसी दूसरे लड़के को हायर करता था, MMS बनाने के बाद उसे पैसे मिल जाते थे और वो दूसरे किसी नए लड़के को हायर करता था। और सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पूरी चेन की सबसे पहली कड़ी है राहुल, उसी ने पहले लड़के को हायर किया था। इसका मतलब जब तक हम इस राहुल को नहीं ढूंढ लेते ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। यस सर। सर, कालूपुर स्टेशन के पास नाले में राहुल की लाश मिली। व्हाट? यस सर, चाकू से गोद कर उसे मारा गया। तलाशी के दौरान कालूपुर पुलिस को उसकी जेब से एक सिम कार्ड मिला जो उसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, कॉल रिकॉर्ड में सिर्फ एक लैंडलाइन नंबर मिला है जहां से उस सिम कार्ड पर कॉल आते और जाते थे। अब तक हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स की तरफ जा रही थी, राहुल। राहुल के खून के पीछे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक, या तो उसे उसी की शिकार हुई किसी लड़की या उसके करीबी ने मार दिया हो, और दूसरा शायद इस MMS गिरोह का सरगना राहुल नहीं बल्कि कोई और है, और जिसने अपना राज खुल जाने के डर की वजह से राहुल को अपने रास्ते से हटा दिया हो। वो जो दूसरी सिम से लैंडलाइन नंबर मिला है किसका है वो? दरअसल ये नंबर SG हाईवे एरिया के पब्लिक फोन का है। काफी बिजी चौराहा है ये, यहाँ बाकी दुकानों के साथ एक बड़ा और फेमस कोचिंग सेंटर भी है, वहीं दीवार पर ये फोन लगा है। ये एरिया लड़के और लड़कियों का मीटिंग पॉइंट है सर। एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे सामने है जिस पर हमने अब तक ध्यान नहीं दिया। What? जितनी भी लड़कियों ने सुसाइड किया है उनका कोई ना कोई कनेक्शन इस कोचिंग क्लास के साथ था, या तो वो यहाँ पढ़ती थी या पहले पढ़ चुकी थी, या फिर किसी की सहेली या बॉयफ्रेंड यहाँ पढ़ता था। और वो फोन भी इसी एरिया में लगा है सर। मतलब उस PCO बूथ पर फोन करने के लिए राहुल का इस सेपरेट सिम का यूज करना, मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल के लिए ये नंबर बहुत ही खास था। और अगर हम ये मान लेते हैं कि इस MMS गिरोह का सरगना राहुल नहीं बल्कि कोई और है, तो इस PCO बूथ के नंबर का इस्तेमाल वो अपने और गैंग मेंबर्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए करता होगा। परमार, तुम एक काम करो, तुम अपनी एक छोटी टीम बनाओ और सिविल में उस PCO बूथ के आसपास तैनात रहो। हम राहुल के इस दूसरे नंबर से उस PCO बूथ पर फोन करेंगे, और जो कोई भी फोन उठाकर हमसे बात करेगा वही तुम्हारा शिकार होगा, MMS गिरोह का बॉस। सर, अब ये MMS किंगपिन हमसे ज्यादा दूर नहीं।
परमार पोजीशन ओके? यस सर। वी आर रेडी सर। वैसे यहाँ पर कोई नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। परमार किसी ने फोन उठाया, गिरफ्तार करो उसे। सर पर यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन कॉल तो रिसीव हुई है, किसी ने उठाया फोन। सर मैं फोन बूथ के सामने खड़ा हूं, वहां पर कोई नहीं है। मैं बाद में बात करता हूं। सर बूथ पर तो कोई आया नहीं, तो ये फोन रिसीव किसने किया? जैसे परमार ने बताया था कि जिन जिन लड़कियों ने सुसाइड किया वो सारी की सारी लड़कियां किसी न किसी तरह से उस कोचिंग क्लास के साथ जुड़ी हुई थी। यस सर। तो हो सकता है कि इस वक्त भी उस कोचिंग क्लास की कोई ना कोई लड़की एक्टिव हो। यू आर राइट सर। एक काम करो, उन सारी लड़कियों की जन्म कुंडली निकालो, बैंक रिकॉर्ड्स, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स और उनसे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मुझे चाहिए इमीडिएटली। पुलिस टीम ने उस कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाली कुल 250 लड़कियों की एक लिस्ट तैयार की और सभी की डिटेल्स को बारीकी से चेक किया गया। उनके बैंक अकाउंट, मोबाइल पर हुई उनकी बातचीत के रिकॉर्ड्स, पिछले 6 महीनों के दौरान उनके सेलफोन की लोकेशन, इन सभी के बेसिस पर 2 लड़कियां सामने आई जिन पर इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होने का शक जा रहा था। ये लड़कियां भी आत्महत्या कर चुकी लड़कियों की तरह फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स थी और पिछले 6 महीनों में कई बार शहर से बाहर गई थी। शालिनी और मेघा सर उसी कोचिंग में सेकंड ईयर साइंस स्टूडेंट, आपस में सहेलियां भी है और दूसरे विक्टिम्स की तरह वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर भी है। इन दोनों के फोन को सर्वेलेंस पे लो, 24 घंटे नजर रखो इन दोनों पर। यस सर। वेलकम बच्चा लोग। क्या लोगे? तुम्हारा चॉकलेट शेक और तुम्हारा स्ट्रॉबेरी शेक अभी देता हूँ। नहीं अंकल अभी कुछ नहीं, कोई आ रहा है अभी, साथ में ले ले। हाँ हाँ बैठो बैठो, चलो बैठते हैं। हाय हाय, हाउ आर यू? वी आर फाइन फाइन। तू बता कैसी है, कैसे चल रहे हैं स्टडीज? बहुत अच्छी। हेलो, हैप्पी बर्थडे ऋषि। थैंक यू सो मच। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हेलो, हैप्पी बर्थडे ऋषि। सो टाइमिंग छे दीदी, सो रेडी फॉर ट्रीट? या ओके चले। ओके ओके, तुम लोग बाइक पे जाओ, हम लोग ऑटो में आएंगे। ओके बाय 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 बाय। We'll be right back.
सर वो लड़का उस लड़की के साथ गांधीनगर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, राहुल उनका पीछा कर रहा है। तुम भी अपनी एक टीम लेकर निकलो, हो सकता है इस लड़के के जरिए हम इस पूरी गैंग का पर्दाफाश कर सके। पल पल की खबर चाहिए मुझे। राइट सर। रावल तुम उन पर नजर रखो, हम निकल चुके हैं तो मैं जल्दी ज्वाइन करेंगे। जावा तुम और दो टीम तैयार करो, हमें पता नहीं ये गिरोह और कितना बड़ा है। What? Oh no. क्या हुआ जाला? सर रावल की बाइक रास्ते में खराब हो गई। We lost the tag of that boy. और परमार की टीम? सर वो तो अभी तक रावल तक पहुंची ही नहीं। Damn it! हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, अगर हम वक्त पर वहां नहीं पहुंचे तो हम और एक जान गवा देंगे। वो दो लड़कियां शालिनी और मेघा, उन दोनों को उठाओ। आई एम श्योर उन दोनों लड़कियों को इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। क्विक। यस सर। कम ऋषि, तुम्हें ये होटल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? हाँ यार, आई नो, ये थोड़ा टैकी सा तो है। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे फ्रेंड का होटल है, सो मुझे यहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, और आजकल वैसे भी कड़की चल रही है ना, इसीलिए मैंने यहाँ बर्थडे पार्टी रखी है। और मेरे फ्रेंड आते ही होंगे यहाँ, मैं एक मिनट उनसे बात करके आता हूँ। हाँ सिट ना, बैठो। सर ये तो हिमानी है, हेतल की छोटी बहन, वही हेतल जिसकी सुसाइड की खबर हमारे पास सबसे पहले आई थी। ऋषि हिमानी को लेकर कहां गया है? सर हमें सच में कुछ नहीं पता सर एक्चुअली इन लोगों का कोई एक ठिकाना नहीं है सर, इन लोगों का नेटवर्क कई जगहों पर फैला हुआ है। चला सर, हिमानी और ऋषि दोनों का नंबर ट्रैकिंग पर रखो। सर बड़ी देर लगा दी यार इन लोगों ने आते आते। वेट। हाँ यस सर, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट सर। सर ये रहा ऋषि और हिमानी का लोकेशन। कलर मच है सर। गो एंड अरेस्ट हिम राइट नाउ। परमार राइट सर, कलोल की तरफ चल, फोटो चौक। क्या हुआ? पता नहीं, थोड़ा डिजी सा लग रहा है। हाँ एक्चुअली हो रहा होगा यार, हम इतनी लंबी राइड लेके आ रहे हैं ना धूप में, इसलिए। हाँ शायद। आजा। Ready.
यही है वो होटल, चल। किधर है वो दोनों? हाँ? मैं किधर है वो दोनों? सर ऊपर रूम नंबर 104 में। ले वाले इसको। लेके जाइए इसको। ले जाइए सबको। बहुत मैं नियाज अफगानी के लिए काम करता हूँ सर। पहले मैं MMS बनाकर राहुल को सेंड करता था, लेकिन राहुल के मर जाने के बाद मैं डायरेक्ट MMS अफगानी सर को सेंड करने लगा। अब तक मैंने 7 लड़कियों के साथ MMS बनाए और 4 लड़कों को हायर किया। ये अफगानी MMS का क्या करता है सर? वो मुझे नहीं पता और ना ही मैंने कभी पूछा। मैं तो सिर्फ पैसे के लिए करते तो। चंद पैसों के लिए तूने मजबूरों की जान ले ली, जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी। बता बता कौन है अफगान, कहाँ मिलेगा? सर, सर, वो ऐसी आने के बाद सर जो फूट बैठे ना उसका मालिक है। उठाना उठाना फोन, कहाँ अटका है? जी मालिक, क्या लेंगे आप? तुझे अमीर बनना था मेरे को एकदम जल्दी, और ये नाश्ता पानी का दुकान चलाकर अमीर नहीं बन सकता। तो अक्सर अपने दिमाग में तिकड़े में फिरता रहता था अमीर बनने की। फिर एक दिन एक दोस्त ने मुझे अचानक बताया कि वैश्या नहीं, होटल लाइन में उसे कॉल गर्ल कहते हैं। मेरी होटल में रोज आती हैं ऐसी लड़कियां, एक रात का 50-60 हज़ार रुपया आराम से लेकर निकलती है। मेरी होटल में एक NRI आकर ठहरा है, उसे लड़की चाहिए, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसे कॉल गर्ल नहीं, कॉलेज की यंग लड़की चाहिए, एकदम फ्रेश माल। और ऐसा एक नहीं, ऐसे तो कई आते हैं रोज मेरी होटल में। अगर लड़कियां हों तो लाखों के नहीं करोड़ों के वारे न्यारे हो सकते हैं। मेरे फूड जॉइंट पे बहुत सारे छोकरे छोकरी आते रहते थे, राहुल भी उन्हीं में से एक था। बड़ा हैंडसम लड़का था राहुल, अक्सर अलग अलग लड़कियों के साथ आता रहता था, उनको खिलाता था पिलाता था। पैसे नहीं थे उसके पास, तो उधार में ही सब कुछ चलता था। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना राहुल को ही पटा कर उसी की किसी गर्लफ्रेंड को उस होटल पर भेजा जाए उस NRI के पास। एक दिन का 1 लाख रुपया मैंने बात की राहुल से। क्या बकवास कर रहे हो आप? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करूंगा? अबे यार, तेरे को कहाँ शादी बनानी है सबके साथ? ऐसी तो करना है, अब साथ में थोड़े पैसे मिलते हैं तो क्या दिक्कत है? मैंने 10,000 रुपए दिए राहुल के हाथ में, पेश की, बोला और भी दूंगा। राहुल भी लालच में आ गया। मैंने राहुल को छोकरी के साथ होटल में बुलाया। MMS को दिखाकर हमने उस छोकरी को उस NRI के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। एक ही घंटे में छोकरी वापस आ गई। मुझे 1 लाख रुपए मिले, जिसमें से 25,000 मैंने राहुल को दे दिए। किसी को शक ना हो इसलिए मैं SG हाईवे के
पब्लिक फोन से बात करता था, जिसकी एक लाइन मैंने अपनी दुकान में ले ली थी। मेरा और राहुल दोनों का लालच बढ़ता ही गया। मैंने सोचा एक बार हो या बार बार हो क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने राहुल को बोला कि और भी लड़कों को ले आए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी अचानक एक दिन एक MMS लीक हो गया। ये धंधा जो मैंने इतना दबा छुपा कर रखा था अचानक से हेडलाइन मिल गया। मुझे लगा कि राहुल ही एक ऐसी कड़ी है जिसके जरिए पुलिस मुझ तक पहुंच सकती है, तो मैंने राहुल को ही रास्ते से हटा दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम्हारे चंद रुपयों की लालच ने कितनी जवान जिंदगियां बर्बाद कर दी? कितने परिवार उछाड़ दिए? इस अपराध की गुत्थी ने सुलझने के बाद भी समाज और प्रशासन दोनों को शर्मसार करके रख दिया। प्रशासन को इसलिए क्योंकि इतना बड़ा गैंग, इतना बड़ा रैकेट ठीक उनकी नाक के नीचे चल रहा था और इसके बावजूद उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। और समाज को इसलिए क्योंकि भाई दूज और रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाने वाला हमारा समाज ऐसे भाइयों, ऐसे बेटों, ऐसे पुरुषों को जन्म दे रहा था जो अपनी बहनों की रक्षा की कस्में खाते हैं लेकिन दूसरों की बहनों के लिए खतरा बन जाते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी बेटियों को खुद अपनी रक्षा करना सिखाएं और बेटों को सीख दें कि वो समाज की दूसरी लड़कियों के साथ भी उसी तरह से पेश आएं, उनके साथ वैसा ही सुलूक करें जैसा वो अपनी बहनों के लिए चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस तरह की कहानी दोबारा कभी देखने को ना मिले। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।